केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। कहा, सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम किया। बजट भाषण में बोली वित्त मंत्री, कहा, गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता की आकांक्षाएं अहम। छठी बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी निर्मला सीतारमण, किसानों के लिए बड़ी घोषणा के आसार। बजट भाषण में बोली वित्त मंत्री, कहा, सबका साथ से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा, कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। बजट में सीतारमण का बड़ा ऐलान, कहा, 40,000 रेलवे डिपो को वंदे भारत में बदला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, 10 वर्ष में अर्थव्यवस्था में काफी विकास हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने तरक्की की है। बजट में वित्त मंत्री का लखपति दीदी को लेकर बड़ा ऐलान, कहा, लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया। सरकार ने इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं किया जारी, मई में नई सरकार बनने के बाद इकोनॉमिक सर्वे और फुल बजट लाएगी सरकार।